फ्रेंड्स, मैं अर्जुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्मार्ट वुमन हैक्स में। इजी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्ज़ा। ब्रेड पिज्ज़ा बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बेहद पसंद होता है, और आज हम ब्रेड पिज्ज़ा बनाएंगे तवे पर, ओवन में नहीं। हम इसे इजीली तवे पर भी बना सकते हैं। हमने यहाँ देखिए 5 ब्रेड स्लाइस लिए हैं, तो आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है। हमने लिए है यहाँ पर कैप्सिकम, थोड़ी सी ऑनियन जो हमने बहुत महीन काटी है, और थोड़ी सी कैरेट। हमने 2 चम्मच केचप लिया है और लिए मेयोनीज। ओरिगैनो पाउडर है 1 पिंच रहेगा, चिली फ्लेक्स 1 पिंच, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर 1 पिंच, और ये है हमारा चीज। देखिए ये एक बाउल में अब हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ऑनियन हमारी सारी टॉपिंग्स मिलेंगे, कैरेट और कैप्सिकम। 1 पिंच जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 चम्मच इसमें 1 चम्मच जाएगा हमारा रिफाइंड ऑयल। अच्छे से मिक्स करिए, देखिए कितना कलरफुल हमारी लग रहा है, सब कुछ कलरफुल हो गया है, सारी टॉपिंग्स हमारी कलरफुल हो गई है। देखिए थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इस पर केचप स्प्रेड करेंगे। सबसे पहले केचप स्प्रेड करेंगे हम। केचप लगाने के बाद इसमें हम लगाएंगे मेयोनीज, इस तरह सारी टॉपिंग्स लगाएंगे मेयोनीज के बाद। देखिए कितनी कलरफुल लग रही है हमारी टॉपिंग्स। थोड़ी सी 1 पिंच ऑरिगैनो, 1 पिंच चिली फ्लेक्स, और अब जाएगा इसमें हमारा चीज। मैंने हल्का सा ऑयल, और मैं इसको सब तरफ फैला दूंगी। अब बहुत ही हमारी फ्लेम बहुत ही हल्की होनी चाहिए, हल्की फ्लेम पे ही इसे पकाना है ताकि हमारे ब्रेड नीचे से ना जले। हल्की फ्लेम पे ही इन्हें कुक करना है और इसको ढक देना है 1-2 मिनट के लिए। देखिए हमारा चीज़ मेल्ट होने लगा है। अभी हमारे तैयार हो गए हैं, अब मैं इनको बीच में से कट कर लूँगी। कितनी अच्छी ब्रेड हमारी ये सिकी है। हमारे टेस्टी ब्रेड पिज्ज़ा रेडी है। अल्लाह हाफिज़।